मूर्ख गधा। एक कुम्हार था, उसने एक कुत्ता और एक गधा पाल रखा था। कुम्हार के मकान के चारों ओर पत्थर की चारदीवारी थी। कुत्ता रोज चारदीवारी के अंदर उसके घर और मिट्टी के बर्तनों की रखवाली करता। गधा अपने मालिक का वजनदार बोझ ढोने का काम करता। गधा कुत्ते से ईर्ष्या करता था। वह मन ही मन सोचता था, कुत्ते का जीवन कितना आराम का है, केवल चार दीवारी के भीतर रहकर इधर उधर घूमना और किसी अजनबी को देखकर भौंकना। ऊपर से मालिक उसे प्यार से थपथपाता है, उसे अच्छा खाना खिलाता है। मैं दिन भर भारी बोझ ढोता फिरता हूँ, बदले में कुम्हार मुझे क्या देता है? वह मेरी पीठ पर डंडे लगाता है और खाने के लिए बचा खुचा घटिया खाना देता है। यह तो वास्तव में घोर अन्याय है। कुछ दिन बाद गधे के मन में विचार आया, क्यों न मैं अभी अपने मालिक को कुत्ते की तरह खुश रखने की कोशिश करूं? मालिक घर लौटता है तो कुत्ता उसे खुश करने के लिए कितने प्यार से भौंकता है, पूंछ हिलाते हुए उसके पास पहुंचता है, अपने अगले पैर उठाकर उसके शरीर पर रखता है। मुझे भी इस तरह करना चाहिए, फिर मालिक मुझे भी प्यार करेगा। गधा मन ही मन सोच रहा था कि उसी समय उसने मालिक को आते देखा। उसके स्वागत में गधा ढेंचू ढेंचू करते हुए रेंगने लगा, खुशी से अपनी पूंछ हिलाने लगा। आगे बढ़कर उसने अपने दोनों पांव कुम्हार की जांघों पर रख दिया। गधे की इस हरकत से कुम्हार हक्का बक्का रह गया। उसे लगा कि गधा पागल हो गया है। उसने एक मोटा सा डंडा उठाया और गधे की खूब पिटाई कर दी। बेचारे गधे ने अपने मालिक को खुश करने की कोशिश की थी, पर बदले में उसे डंडे खाने पड़े। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें किसी की नकल नहीं करनी चाहिए, ना ही किसी से ईर्ष्या करनी चाहिए। हम जैसे हैं वैसे ही हमें रहना चाहिए। हमें अपना काम मन लगा के करना चाहिए।